दोस्तों, आज अपने पास एक एलजी कंपनी की टीवी रही और इसको चेक करते हैं क्या दिक्कत है इसमें। तो यहाँ पर मैं इसको पावर इनपुट कर रहा हूँ, तो पावर इनपुट करने पर ना ही सीरीज बल्ब जला है और ना ही इसमें पावर आ रही है। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं क्या समस्या है इसमें। ठीक है, तो पहले मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो मैंने इसके सभी स्क्रू ओपन कर लिए हैं और बॉडी को हटा लेता हूँ। तो इसके अंदर का पीसीबी कुछ इस तरीके से रहा। ये अभी ओरिजिनल टीवी है एलजी की। तो ठीक है, नीचे से रंगा हटा लेते हैं, अगर कोई रंगा होगा साफ करेगा दिक्कत हो जाएगा। तो अब इनपुट करते हैं पावर को, कोई रिजल्ट नहीं निकला है। यहाँ पे स्विच से ऑन ऑफ करने पर भी कुछ, ना ही लाइट जली है ना ही सीरीज बल्ब जल रहा है। तो चेक कर लेते हैं पावर केबल को। फिलहाल तो पावर केबल खराब इसमें होता नहीं जल्दी, तो यहाँ पे चिमटा अपना लगा रहे हैं पावर केबल में इस तरीके से और इसको चेक करते हैं। तो ये देखिए सीरीज बल्ब जलने लगा है, इसका मतलब कि पावर केबल सही है अपना। जो प्रॉब्लम है अंदर पीसीबी में है। पावर केबल निकालते हैं, चिमटा निकाल देते हैं। तो इसको यहाँ पर हम इनपुट कर देते हैं केबल को और बाकी सभी जैक को अब निकाल देते हैं, क्योंकि पीसीबी पलट के हम चेक करेंगे। ओके, तो टीवी को थोड़ा आगे कर देते हैं। तो ये टीवी मैंने आगे कर दी है और थोड़ा सा कैमरे को एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, इतना ठीक रहेगा। तो पावर इनपुट मैंने कर दिया है यहाँ पर और मीटर से इसको मैं थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। तो 750 वोल्ट की रेंज पे मैंने मीटर को रख दिया है और सबसे पहले मेन वायर पे जो अपना वोल्टेज आ रहा है उसको चेक करते हैं। तो ये मेन वायर है, इसके बाद ये इस कॉइल पर जाएगा, तो इस कॉइल के थ्रू वोल्टेज नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर एक फ्यूज लगा होगा, फ्यूज चेक कर लेते हैं। यहाँ पर है, मतलब ये फ्यूज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर फ्यूज जोड़ देते हैं पहले अपना। तो हम एक पतला सा वायर यहाँ पर जम्पर कर देते हैं फ्यूज के लिए। पट्टा वायर का एक पूरा वायर मैं 10 एम्पियर के लिए यूज करता हूँ, तो इसका आधा कर दूंगा तो 5 एम्पियर का ये काम करेगा। ठीक है, तो ये 5 एम्पियर का फ्यूज अपना हो गया यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ पर ये देखिए फ्यूज जोड़ने पर टीवी चालू हो गई। गजब गजब फॉल्ट आ रहा है कि मतलब फ्यूज जोड़ने पर ही टीवी चालू हो जा रही है। देखिए सीरीज बल्ब जलने लगा, जिससे मालूम हो रहा है कि टीवी चालू है। ये देखिए यहाँ पर बहुत हल्का हल्का सीरीज बल्ब अपना जल रहा है, बड़ा वाला बल्ब। और आगे से मैं आपको डिस्प्ले दिखाता हूँ। ये भी लिख देखिए लिख कर आ गया ये भी। तो मतलब इसे फ्यूज की समस्या थी, बहुत कुछ नहीं था, छोटा ही सी फॉल्ट। मतलब बहुत कम ही मिलता है कि टीवीओ में फ्यूज वगैरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो क्या कि कहा जाए इसको, वीडियो अपलोड किए करें या ना करें, नहीं करूंगा इस वीडियो, क्योंकि अक्सर कर छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं जो लोग इग्नोर कर देते हैं और परेशान हो जाते हैं। मैकेनिक लोग ज़्यादा पैसा ले लेते हैं। ठीक है, ताकि एक बार देख लें आप सब, फ्यूज वगैरह चेंज करके प्रॉब्लम सही हो सके तो हो जाए। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत रहे तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई ही है। ठीक है, तो एक बार अपने से आप सब ट्राई कर सकें, इसलिए ये सब छोटा छोटा वीडियो भी जरूरी ही है एक तरीके से। ठीक तो यहाँ पर मैं पावर इनपुट करके एक बार इसको चेक कर लेता हूँ अपने टीवी का वीडियो वगैरह। वीडियो में तो कोई समस्या नहीं है, लीड मैंने लगा लिया है, वीडियो देख लेता हूँ। देखिए वीडियो में समस्या है, इसका कलर डिस्टर्ब है। तो ये वाली समस्या को मैं बाहर से सही कर सकता हूँ, लेकिन मैं बाहर से नहीं सही करूँगा, इसका मैं मेन प्रॉब्लम सही करता हूँ। क्योंकि यहाँ पर मैंने जब सीरीज में इसको लगाया तो टीवी अपना सीरीज में जलना चाहिए था बल्ब, लेकिन नहीं जला।
तो इससे ये मालूम होता है कि एक इसमें ये समस्या रही कलर वाली, जो पीटीसी से आती है, पीटीसी इसका काम नहीं कर रहा है। कि जो सीरीज में लगाने के बाद बल्ब जलता रहता है कुछ देर तक, तो यही पीटीसी काम करता है। मैं आपको दिखाता हूँ निकाल कर। तो ये जो रहा यहाँ पर, ये ब्लैक वाला, देखिए ये है पीटीसी अपना। ये जब खराब रहता है इसके अंदर से आवाज आने लगती है, देखिए। तो ये अक्सर कर जब खराब होता है तो इसके अंदर से आवाज आती है। तो ये यहाँ पर अपना ये खराब है, तो इसको हम चेंज करेंगे ताकि अपना ये कलर जो डिस्टर्ब है सही हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पीटीसी नई लगा लेता हूँ। यह एक ग्रीन कलर में भी पीटीसी आती है दोस्तों, मैं देखता हूँ अगर ग्रीन वाली हो तो ग्रीन वाली ही लगा दूंगा, ताकि मैं आपको दिखा भी सकूँ। दो तरह की पीटीसी है, ग्रीन वाली देखता हूँ है कि नहीं पहली बात। तो इसमें तो ग्रीन वाली है नहीं, देखता हूँ मैं किसी पीसीबी में अगर हो ग्रीन या ब्लैक। ना ही ग्रीन है इसमें अपने पास, ना ही ब्लैक। तो पीसीबी काफ़ी सारी है, उसमें से मैं निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर अपने पास ये एक ब्लैक वाली ही मिली है पीटीसी। तो इसको चेक करने का एक तरीका है बिना इसको लगाए। इसमें अगर हम डायरेक्ट सीरीज में दो वायर लगा देंगे तो पहले तो सीरीज बल्ब जलेगा, उसके बाद लगभग 2 सेकंड 3 सेकंड बाद ये अपना बल्ब अपने आप बंद हो जाता है। तो मतलब ये पीटीसी सही होता है, ठीक है। और दूसरा तरीका, हिला के चेक करने पर अगर आवाज़ नहीं आ रहा है तो भी सही मतलब लगता है, लेकिन पूरा सही तरीका वो सीरीज बल्ब वाला है माना जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ। और कलर सही करने के लिए यहाँ पर हम सीरीज में नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर सीरीज बल्ब जल गया तो लगभग 5 मिनट इसको सही होने में लगेगा फिर से उसी पोजिशन पर आने के लिए, ठीक है। जब तक ये गर्म से ठंडा नहीं होगा तब तक ये फिर से शॉर्टिंग कंडीशन में नहीं आता है। जैसे ये गर्म होता है तुरंत ये शॉर्टिंग कंडीशन में हटा लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको लगाने के बाद डायरेक्ट लगाएंगे टीवी को और देखेंगे क्या ये कलर सही हो जाता है या नहीं। तो यहाँ पर ये लग गया है और जैक वगैरह लगा लेते हैं। सभी जैक जरूरी है यहाँ पर, मेन जरूरी थी ये पीटीसी वाला वायर जो अपनी कॉयल है, कलर डिस्टर्ब जो रहता है उसको एडजस्ट करने के लिए सबसे जरूरी यही है ये कलर के लिए। बाकी एक तो आवाज का जैक है ही इसमें, बाकी दो ही जैक ही है, ठीक है। यहाँ पर मैंने सभी जैक को लगा लिया है और पावर सोर्स देते हैं इसको, तो डायरेक्ट ही ऑन करेंगे। तो एक बार देखिए वोल्टेज थोड़ा सा ब्लिंक किया अपना, मतलब ड्रॉप टाइप में, और देखते हैं आप कलर क्या कहता है, सही होता है या नहीं। वीडियो लीड लगा है सब कुछ, तो देख लेते हैं। देखिए आपको खुद परिवर्तन समझ में आ गया होगा, सभी कलर जो अपने अपने जगह पर आ चुके हैं एक ही बार में। तो ठीक है, इसको अब हम पैक कर लेते हैं। ये एक छोटी सी समस्या थी, और इसको छोटी सी समस्या का कभी कभी दोस्तों ये जो फ्यूज अपना खराब हुआ है ना, इस पीटीसी की वजह से भी खराब होता है। अगर ये पकड़ा ही रहा, मतलब ये अपनी शॉर्टिंग कंडीशन से छोड़ा नहीं, तो फ्यूज के ऊपर ये लोड पूरा जाएगा, फ्यूज उड़ जाता है, ठीक है। तो हो सकता है ऐसा ही केस बना हो अपना। तो यहाँ पर हमने इसको चेंज कर दिया है, तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व है। तो मिलते हैं अब हम नए वीडियो में और इसको हम पैक कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसी तरह के नए नए वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।